चुनाव में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने सामूहिक रूप से आज उन सब जो बिहार में अटकलें चल रही थी उन अटकलों को विराम देते हुए और सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने नरेश जी कन्हैया का नाम सभापति के लिए नामांकन कराया और आम भारी बहुमत के साथ हमारी 29 है लेकिन सबका समर्थन है 40 से अधिक वोट लेकर हम ये सीट प्राप्त करेंगे और ब्यावर में एक बार फिर विकास की डगर आगे बढ़ने का अंतिम दिन था और हमारी पार्टी ने व्यापक विचार विमर्श करने के बाद जिसमें नव निर्वाचित पार्षद से हमारे विधायक महोदय हमारे मंडल अध्यक्ष जिला पदाधिकारी सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो रिपोर्ट हमारे समर्थक श्रीमान सुखी पंडा ने प्रदेश को दी और प्रदेश से आज सुबह श्री नरेश नदुजिया को ब्यावर नगर परिषद के सभापति पद पर नामित किया है और मैं उम्मीद नहीं विश्वास करता हूँ कि ब्यावर नगर परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का दर्जा होगा। नरेश कन्हैया हमारा सभापति होगा। 27 तारीख को सभापति भारतीय जनता पार्टी ब्यावर ब्यावर दोनों मंडल पार्टी के पदाधिकारी आप सभी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ जो चुनाव हुए उसमें भाजपा को बहुमत मिला है। पूरी पार्टी संकट है जो मैं चुनाव लड़ा था इसका परिणाम कार्यकर्ताओं में आप सब साथ मिलकर जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा ब्यावर में एक चीज़ बताइए कि ब्यावर के लोग भाजपा पर विश्वास करते हैं भाजपा के वोट पर विश्वास करते हैं उसको देखते हुए इतनी सीटें आई हैं। भाई रवि और हम जो दावेदार बन रहे थे भाई रवि ने समर्थन किया और आपके समर्थन से पार्षद के समर्थन से ब्यावर की जनता का जो आशीर्वाद मिला है तो ब्यावर की जनता की भावना है उस भावना को ब्यावर का बेहतर ब्यावर बने स्वच्छ ब्यावर बने ब्यावर के नागरिक बाहर भी जाएं तो लोग ब्यावर का नाम हो और गर्व महसूस करें ऐसा आने वाले टाइम में ये भाजपा का वोट करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। इस के लिए नामांकन के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार ने भाई नरेश भुजिया का नाम दिया है। मैं संगठन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के परिवार को कि उन्होंने सबकी सलाह लेकर के एक रूप का मान करके माननीय अध्यक्ष महोदय को निर्देश दिए हैं कि वो भाई नरेश भुजिया हर मत उन सभी साथ मिलकर के पूर्व विधायक महोदय आत्मीय गुप्ता साहब और अध्यक्ष जी और दोनों मंडल अध्यक्ष जी जेटली जी पटवा जी दिनेश जी कटारिया जी सब साथ में होकर के उन सब भाई नरेश जी आज मनवाया है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा। अच्छे हिम्मत के साथ में ये अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ब्यावर की जनता को भी जो उन्होंने सबको हमारे अच्छे लोगों को यहाँ जीता करके भेजा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ बातें उनके मन में और कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा करके कर रहे थे उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन ब्यावर की जनता पहले से समझी हुई है उनके किसी प्रकार की चली नहीं और ब्यावर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा। मैं सबको पूरी ब्यावर की जनता को धन्यवाद देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ।